इंजॉय नेचर देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम जब नर्सरी से कोई प्लांट्स लेकर आते हैं तो हम उसको गमले में कैसे लगाएं। जब हम नर्सरी से कोई भी प्लांट्स लेकर आते हैं तो कई बार हम आते वक्त ही उसको किसी पॉट में लगा देते हैं, तो हमारा प्लांट है जो वो शॉक में चला जाता है और सर्वाइव नहीं कर पाता है। नर्सरी वाले इन प्लांट्स को इकट्ठा करके एक ग्रुप में बना कर रखते हैं। तो जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट्स को लेकर आएं, तो आप उसको उसी वक्त आकर पॉट में ना लगाएं। आप उसको एक दो दिन के लिए अपने गार्डन में छोड़ दें ताकि वो आपके एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से सेटल हो जाए और फिर आप एक दो दिन बाद उसको किसी भी पॉट में लगाएं। तो उतनी देर में आप क्या करें, उतनी देर में आपको उसके लिए जो पॉट है उसको बनाने का भी वक़्त मिल जाएगा और आप उसके लिए पॉट है जो उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर आपने नया पॉट में उसको लगाना है तो आप उस पॉट के लिए जो पॉटिंग सॉइल है उसको तैयार करके उसमें भर लें, और अगर आपके पास कोई खाली पॉट पड़ा है आप उसमें ही उस प्लांट्स को लगाना चाहते हैं तो आप उस जो पॉट है उस की मिट्टी को अच्छी तरह से ड्राई करके धूप में सुखा ले जा, तो आप उस पॉट में उस मिट्टी को बाहर निकाल कर अच्छी तरह से धूप लगा कर भी दोबारा उस पॉट में भर सकते हैं, या फिर आप उस पॉट को धूप में रख दें और उसमें पानी ना दें तो आपकी जो मिट्टी है अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी और आप उसको बीच बीच में हिलाते रहें ताकि उसमें अच्छी तरह से जो धूप है वो लग जाए और आपकी मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह होगी वो सब धूप की वजह से ठीक हो जाएगी और आपकी मिट्टी है जो वो अच्छी बन जाएगी और उसमें आपका प्लांट है जो अच्छे से ही सर्वाइव कर पाएगा। तो आप जब भी प्लांट्स लेकर आएँ तो आप प्लांट के हिसाब से ही उसके लिए पॉट है जो उसको चूज़ करें। अगर आप छोटा सा प्लांट लेकर आए हैं तो आप उसको छोटे से पॉट में ही लगाएं, और अगर आपने बड़ा प्लांट लिया है तो आप उसके लिए बड़ा पॉट ही यूज़ करें। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे से किसी भी प्लांट्स को एक बड़े सारे पॉट में लगा देते हैं तो उसमें जो नमी है वो भी ज़्यादा होती है और हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आप प्लांट के हिसाब से ही पॉट चूज़ करें, एक बार आप उसको उसके प्लांट के हिसाब से ही पॉट में लगाएं और फिर बाद में आप उसको बड़े पॉट में रिपॉट कर सकते हैं। तो देखिए जे मेरा प्लांट है जे बहुत ही बड़ा प्लांट है, तो मैंने इसके लिए जो है एक बड़े पॉट को ही लिया है ताकि जे इसमें अच्छे से सर्वाइव कर सके। कई बार हम बड़े प्लांट को भी एक छोटे पॉट में लगा देते हैं तो भी उसकी जो रूट बाउंड है वो जल्दी हो जाती है और हमारा प्लांट है जो वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आप प्लांट के हिसाब से ही उस पॉट को चूज़ करें और उस पॉट को जब भी आप पुराने पॉट को भी अगर उसमें आप दोबारा प्लांट्स को लगा रहे हैं तो आप उसकी मिट्टी को भी अच्छी तरह से धूप लगा लें और आप उसके जो ड्रेनेज होल है ड्रेनिंग होल को भी अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपका जो ड्रेनिंग होल है वो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पॉट है जो काफ़ी पुराना होता है और हमारा जो ड्रेनिंग होल होता है
ड्रेनिंग होल है जो वो बंद हो जाता है, और हम उसमें पॉट में प्लांट्स को लगाकर ऊपर से पानी दे देते हैं, तो हमारा पानी है जो वो मिट्टी में ही रुक जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो भी हमारा प्लांट है जो वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो आप जब भी पॉट में पॉटिंग सॉइल बनाएं तो वेल ड्रेन ही बनाएं। आप उसमें अपने गार्डन की सॉइल और सैंड और कंपोस्ट इनको मिक्स करके ही बनाएं। सैंड को डालने से क्या होगा कि आपके पॉट में जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, और अगर आप चाहें तो आप उसमें थोड़ा सा कोको पीक भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पॉट में जो नमी है वो बनी रहती है और आपको ज़्यादा बार बार पानी भी नहीं देना पड़ता है। तो अब हम इस प्लांट्स को पॉट में लगाते हैं, तो हम इस पॉट की मिट्टी को थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि हम इसमें अपने प्लांट्स को रख सकें। तो देखिए, आपकी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से वेल ड्रेन होनी चाहिए कि उसमें पानी यह जो बिल्कुल भी ना रुके, और बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए, ऐसी सॉफ्ट मिट्टी ताकि आपके प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इस मिट्टी में अच्छी तरह से डिवेलप हो पाए। तो अब हम अपने प्लांट्स को इसके बीच में रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो आप बहुत ही धीरे से जो है इस प्लांट्स को बाहर निकालें ताकि इसका जो रूट बाउंड है वो टूट ना पाए। तो बहुत ही आराम से आप इसको निकालें, क्योंकि मेरा ये प्लांट है जो बहुत बड़ा है, जो देखिए इसकी रूट्स हैं जो वो पॉलीथीन से भी बाहर निकल आई हैं। तो आप इसकी ऐसे थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी है जो उसको हटा दें ताकि ऐसे, तो इसकी रूट्स हैं जो वो पॉट्स की मिट्टी में है जो आसानी से लग सके। तो आपने इसके ऊपर ऊपर की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा हटा देना है। सिर्फ आपने इसका जो टैप रूट होती है उसको नहीं छेड़ना है। तो ये छोटी छोटी रूट्स हैं जो, ये अगर टूट भी जाए थोड़ी बहुत तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी जो टैप रूट है वो नहीं टूटनी चाहिए। तो आप ऐसे ही हाथों से आराम आराम से इस मिट्टी को निकाल दें। तो ये देखिए, ये इसकी टैप रूट है, आप इस रूट को ना हटाएं। तो अब हम इसको इसके बीच में लगा देते हैं। ऐसे में ही आप इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से ठीक कर दें। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी है वो डाल देते हैं। जब भी आप प्लांट लगाएं तो उसमें फर्स्ट टाइम आप अच्छी तरह से पानी डाल दें ताकि आपके पॉट की जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से सारी सेट हो जाए। तो आप इसमें अच्छी तरह से पानी डाल दें,
जब भी आप इसको नर्सरी से लेकर आएं, पॉट में लगाने से पहले 2 दिन जब इसको आप अपने गार्डन में रखते हैं, तो भी आप इसकी मिट्टी को ड्राई ना होने दें, उस पर पानी का थोड़ा थोड़ा जो स्प्रे है वो करते रहें, तो आप अच्छी तरह से इसमें पानी डाल दें। प्लांट्स को पॉट में लगाने के बाद आप उसको उसी वक्त ही धूप में ना रखें, आप उसको 1-2 दिन किसी शेडी एरिया में रखें और फिर आप उसके बाद उसको धूप में शिफ्ट करें। तो ऐसा करने से आपका प्लांट है जो वो अच्छे से सरवाइव करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी प्लांट्स को लगाते हैं और उसी वक्त धूप में रख जाते हैं तो हमारा प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। तो आप उसको शेडी एरिया में रखें और फिर आप उसको धीरे धीरे धूप में रखना शुरू करें, तो आपका प्लांट है जो वो अच्छे से सरवाइव करेगा। तो देखिए, ये प्लांट है मेरा लग चुका है, ये रात की रानी का प्लांट है और ये बहुत ही बड़ा प्लांट है, और इसको पानी की वैसे कम ही ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार प्लांट को जब हम लगाते हैं तो आप उसको फुल पानी दें, बाद में आप उसको पानी है जो वो चेक करके ही दें। तो ये बहुत बड़ा प्लांट है, तो जब ये थोड़ा सा इस पॉट में सेट हो जाएगा तो मैं इसकी जो है प्रूनिंग कर दूंगी, तो वो ये थोड़ा बुशी सा हो जाएगा। ये रात की रानी के प्लांट ऐसा ही होता है, इसकी ब्रांचेस है जो वो बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी हो जाती है, लेकिन जब हम इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर देंगे तो ये थोड़ा बुशी हो जाएगा जो देखने में अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ।